नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी हम बाल किस दिन धुलें किस दिन ना धुलें, अर्थात महिलाएं, माताएं, बहनें किस दिन बालों को धोएं किस दिन ना धोएं, क्योंकि महिलाओं के लिए बालों को धोने का बहुत सारा नियम बनाया गया है। किस दिन उन्हें धुलना चाहिए, किस दिन नहीं धुलना चाहिए, उन्हें दोष लगता है, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती हैं और बहुत सारी ऐसी परंपराएं हम लोग मान कर चलते हैं, उसे निभाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उस हिसाब से हम महिलाएं इस बात को मानते हैं। आज की वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी तिथियां हैं, कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें वास्तव में हमें बालों को नहीं धोना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे जो आडंबर हैं, दुविधाएं हैं, बहुत सारा अंधविश्वास है, वो भी आप लोगों का दूर होगा कि बहुत ज्यादा इस बात को आप लोग लेकर न चलें कि जिस बात में कोई भी दम नहीं है या फिर इस बात से हमें कोई भी दोष या पाप नहीं लगने वाला है, ऐसी भी बातें क्लियर होगी। दूसरी चीज, तीन ऐसे समय हैं, तीन ऐसे मौके हैं जहां पर हमें बालों को धोने का कोई भी नियम नहीं मानना होता है। कहने का मतलब, उस मौके पर, उस समय पर, चाहे दिन कोई भी हो, चाहे तिथि कोई भी हो, हमें बालों को धुल लेना चाहिए। हमें कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी दोष नहीं लगता। आप लोग इस वीडियो में वो तीन समय जानेंगे कि जिसमें कि हमें किसी भी नियम को लेकर नहीं चलना होता है। बाकी जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या है, दैनिक हमारा जो नियम है, उसमें हमें कुछ नियम को लेकर चलना होता है, कुछ नियम को हमें मानना होता है। आइए क्लियर बिल्कुल जान लेते हैं कि किस किस दिन हमें बालों को नहीं धोना चाहिए और किस किस दिन हमें धोने में कोई भी दोष नहीं लगने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरी तरह बने रहिएगा, आप लोगों का बहुत सारा भ्रम दूर होने वाला है। यदि मेरी वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप और लोगों में शेयर भी कीजिएगा, इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बाल धोने का जो नियम है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, जो हमारी माता, हमारी दादी माँ हमें बताती आई है, उस नियम को हम मानकर चलते हैं, अधिकतर यही होता है। तो कहीं कहीं अपने अपने घर की जो परंपराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनको भी मानकर आप लोगों को चलना होगा। आप लोग उस परंपरा को बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन जो मैं बताती हूँ उसे भी आप लोग पूरी तरह से समझिए। देखिए, बाल धोने का जो नियम है, जो मैं मानती हूँ, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, और मैं शुरू से जिस चीज को मानती आई हूँ उसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी दिन की, अर्थात सप्ताह की, जैसे सोमवार से शनिवार और रविवार तक लेके मैं बात करूंगी कि किस किस दिन वर्जित होता है। सोमवार का दिन हम सुहागन स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए सोमवार का दिन वर्जित होता है, इस दिन हमें बालों को नहीं धुलना चाहिए। कन्याओं के लिए सोमवार का दिन वर्जित नहीं होता है। दूसरा दिन कौन सा है? गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन चाहे कन्या हो, अविवाहित हो, या फिर सुहागिन स्त्रियां हो, या फिर बुजुर्ग महिलाएं हो, गुरुवार का दिन सभी के लिए वर्जित होता है। पुरुषों को छोड़कर, पुरुषों के लिए बाल धोने का कोई नियम नहीं होता है, उन्हें प्रतिदिन सर से स्नान करना होता है, लेकिन हम महिलाओं के लिए ये सारे नियम है। तो महिलाओं के लिए मैं बता दूं, गुरुवार का दिन कन्या हो या फिर सुहागन स्त्री हो या फिर बुजुर्ग महिला हो, गुरुवार का दिन बिल्कुल ही वर्जित होता है। गुरुवार के दिन हमें बालों को नहीं धुलना चाहिए। तीसरा कौन सा दिन है? शनिवार का दिन। शनिवार के दिन भी कन्या हो या फिर सुहागिन स्त्री हो या फिर बुजुर्ग महिला हो, शनिवार के दिन भी हमें बालों पर पानी नहीं डालना चाहिए, मतलब सर से हमें स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तीन दिन है केवल, इस तीन दिन को ही मैं मानती हूँ, इसी तीन दिन की जो परंपरा है इसी को मैं लेकर चलती हूँ और आप लोगों को भी यही बता रही हूँ। बाकी आप मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम बालों को ना धुल सके, हम धुल सकते हैं। दूसरी चीज, बात मैं करती हूँ तिथियों की। तिथि पर कौन कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिन पर हमें बालों को नहीं धुलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं अमावस्या और पूर्णिमा की बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों का यह कहना है, बहुत सारे घरों में ये मान्यता भी है, मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करती हूँ कि अमावस्या पर बालों को ना धुलें, लेकिन हमारे यहाँ अमावस्या पर बालों को धुलना वर्जित नहीं है, क्योंकि अमावस्या जो तिथि होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी दादी हैं, हमारी सास हैं, सभी लोग इस बात को मानती हैं कि अमावस्या से क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक वो पूरे चंद्रमा अपने पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त हो जाते हैं, तो बढ़ते हैं। तो अमावस्या पर कहा जाता है कि हमें बाल धुलना चाहिए और सिंदूर भी लगाना चाहिए। ये बिल्कुल हमारे यहाँ की ये मान्यता है कि अमावस्या पर बाल धोने में कोई भी दोष नहीं है। हाँ, दिन का हमें ध्यान रखना है, जैसे अमावस्या गुरुवार को पड़ गई, अमावस्या शनिवार को पड़ गई,
सोमवार को पड़ गई तब हम लोग बालों को नहीं धोते हैं। बाकी अगर अमावस्या अन्य दिनों पर पड़ी तो हम लोग बालों को धुलते हैं। और नियम यहाँ तक है कि प्रत्येक अमावस्या पर हमें सिंघौरा से सिंदूर लगाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। जैसे कि हम लोग सोमती अमावस्या पर लगाते हैं, तो अमावस्या तिथि पर हम लोग सिंदूर सोमती अमावस्या के दिन सिंघौरा से ही लगाते हैं। तो इस तरह से यदि हो सके हमें तो प्रत्येक माह की अमावस्या पर हमें सिंघौरा से सिंदूर भी लगाना चाहिए और बालों को धुलना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर की ऐसी परंपरा नहीं है तो आप लोग अपने घर की परंपरा को बिल्कुल ही मानकर चले और अपने बड़े बुजुर्ग का जो कथन है, जो कहना है, उसे आप लोग बिल्कुल मानकर चले। ये मेरा मत है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो तिथि की बात हो गई कि अमावस्या यदि अन्य दिनों पर पड़ती है तो आप लोग धुले और जो दिन वर्जित है उन दिनों पर न धुले। अब बात आती है पूर्णिमा की। पूर्णिमा तिथि पर दोस्तों मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कथन है, मेरा भी ये मानना है कि पूर्णिमा पर हमें बालों को नहीं धोलना चाहिए और पूर्णिमा पर हमें सिंदूर पूरी मांग भर के नहीं लगाना चाहिए। केवल हम पूजा का सिंदूर माता गौरी जी से उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको लगाकर हम सिंदूर थोड़ा सा मांग में प्रसाद स्वरूप में लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पूर्णिमा के दिन बाल धुलकर और मांग भरना ये वर्जित होता है। हमारे यहाँ भी यही नियम है और बहुत से लोगों के यहाँ यही नियम है। तो पूर्णिमा का नियम आप लोग जरूर मान के चलें, चाहे दिन कोई सा भी हो। अब आइए मैं बात करती हूँ दूसरी तिथि की, एकादशी। एकादशी पर भी बालों को नहीं धुलना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। एकादशी तिथि पर हम जब व्रत रखते हैं तब भी नहीं रखते हैं, तब भी हमें एकादशी तिथि पर अपने बालों को नहीं धुलना चाहिए, सिंदूर हम लगा सकते हैं। तो ये नियम है एकादशी का। अब मैं बात करती हूँ अन्य व्रतों की। जैसे ये होता है कि कोई भी व्रत हम रख रहे हैं तो हमें बालों को नहीं धुलना चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मान लीजिए गुरुवार का व्रत है तो हमें नहीं धुलना है, क्योंकि गुरुवार को बाल धुलना ही नहीं होता है। सोमवार का व्रत है तो हमें बालों को नहीं धुलना है। शनिवार का व्रत है तो हमें बालों को नहीं धुलना है। लेकिन अन्य कोई भी व्रत हम रखते हैं, दिन ये अगर न पड़े, ये तीन दिन उसमें न पड़े, तो हमें बालों को धुलने में कोई दोष नहीं है। देखिए जो वार्षिक व्रत पढ़ते हैं, कहने का मतलब जैसे सुहाग का कोई व्रत जो एक वर्ष में एक बार हम लोग रखते हैं, या संतान से निमित्त कोई व्रत हम लोग एक वर्ष में रखते हैं, जैसे हलषष्ठी का व्रत रखते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, तो इसमें तो नियम होता है कि जैसे गणेश चतुर्थी की मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, कि तिल के पानी से हमें बालों को धुलना ही धुलना है। यदि गुरुवार का दिन पड़ जाता है शनिवार का दिन, तो हम एक दिन पहले बालों को धो लेते हैं और उस दिन थोड़ा सा तिल का पानी, तिल भिगाया हुआ जो पानी होता है उसी से स्नान करते हैं और बालों में भी वही पानी लगा लेते हैं, यदि दिन वर्जित दिन पड़ जाता है तो। नहीं तो हम लोग बालों को धुलते हैं और फिर तिल के पानी से ही पूरे बालों को अंतिम में धुलते हैं। ये नियम है गणेश चतुर्थी, जो माघ मास की गणेश चतुर्थी पड़ती है। अब मैं बात करती हूं हलषष्ठी की। देखिए हलषष्ठी में दही, थोड़ा सा पानी में दही डालकर वो बालों में लगाना शुभ होता है, उसी को लगाकर हम लोग व्रत धारण करते हैं। तो इसमें भी यही नियम हम लोग अपनाते हैं कि दिन यदि वर्जित दिन नहीं पड़ता है तो हम लोग स्नान करके बालों को धुल के और फिर दही के पानी से थोड़ा सा बालों को धुल लेते हैं। तो दोस्तों ये वार्षिक व्रत का उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ। ये सभी व्रतों के नियम हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं कि दिन यदि वर्जित नहीं पड़ता है तो उस दिन हम बालों को धुलते हैं, केवल पूर्णिमा और एकादशी पर हम बालों को नहीं धुलते हैं। ये मेरा मानना है, ये हमारा नियम है। आप लोग यदि इस नियम को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने घर की जो आपकी परंपरा है उसे आप लोग बिल्कुल ही लेकर चलें। अब बात आती है कि तीन ऐसे कौन से समय हैं जहां हमें तिथि का भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, ना ही हमें दिन को देखना है, ना हमें किसी तिथि को देखना है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का दोष हमें नहीं लगने वाला है। तीन ऐसे समय पर हम बालों को किसी भी दिन हम धुल सकते हैं। पहला, जब हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर हम माँ गंगा में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान करते समय दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि डुबकी लगाने का विधान है। यहाँ पर बालों को धुलने का न धुलने का कोई नियम हमें नहीं लेना है, चाहे वो गुरुवार का दिन ही क्यों ना हो, चाहे शनिवार का दिन ही क्यों ना हो। दूसरा नियम यह है कि जब हम गंगा स्नान करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो वहां पे हम साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल हमें डुबकी लगानी होती है, अर्थात सर से स्नान करना होता है। तो वहां पे आप लोगों को किसी भी नियम को नहीं लेना है, दिन या तिथि को नहीं देखना है, आपको डुबकी लगाकर बालों से स्नान करना ही करना है। दूसरा कौन सा ऐसा दिन है? दूसरा, आपके घर में किसी भी परिजन की यदि मृत्यु हुई है, कहने का मतलब सूतक काल चल रहा है, जो 12 दिन का हमारा सूतक काल चलता है उसमें सारे जो नियम होते हैं, तो उसमें जिस दिन महिलाओं को बाल धोने का जो दिन पड़ता है 10वां दिन, आप सभी लोग जानते होंगे, उस 10वें दिन पे सभी महिलाएं बालों को धुलती हैं, नाखून काटती हैं,
उसमें भी आपको किसी भी तिथि को नहीं लेना होता है, किसी भी दिन को नहीं लेना होता है, चाहे वो गुरुवार हो, शनिवार हो, सोमवार हो, एकादशी हो, कुछ भी हो। तो इन सब समय पर हमारे ऊपर कोई पाप दोष नहीं लगता है, क्योंकि इन सब समय पर हमें उसी दिन पर, उसी तय समय पर ही हमें बालों को धुलना होता है। तीसरा कौन सा समय है? तीसरा वो समय है कि जब कन्याओं का विवाह होता है। तो विवाह वाले दिन आप सभी लोग जानते हैं कि उसके पहले लगन पड़ती है, और लगन के समय में जो कन्याएं हैं वो बालों को नहीं धुलती हैं, केवल स्नान करती हैं। और लगन जब समाप्त हो जाता है, अर्थात विवाह का दिन जब आता है, उसी विवाह के दिन हल्दी लगने के बाद बालों को धुलती हैं। सभी माताएं बहनें इस बात को जानती हैं। तो विवाह का दिन, चाहे गुरुवार का दिन पड़े, चाहे शनिवार का दिन पड़े, कोई तिथि पड़े, विवाह वाले दिन हमें बालों को धुलना ही धुलना है, क्योंकि उससे पहले हम धुल नहीं सकते हैं। तो उसमें भी हमें कोई पाप दोष नहीं लगता है, हमें किसी भी नियम को लेकर नहीं चलना होता है, हमें उस दिन बालों को धुलना होता है। तो ये तीन ऐसे समय थे कि जिसमें कि हमें कोई भी नियम नहीं मानना है। बाकी मैंने दिन और तिथि आप लोगों को बता दिया, व्रत के विषय में भी मैंने बता दिया कि वर्जित दिन नहीं है, तो आप सभी व्रतों में अपने बालों को धुल सकते हैं। यहाँ तक कि नियम है, कुछ ऐसे व्रत हैं तो वहां पे तो बालों को धुलने का नियम है, जैसे कि मैंने बताया दही के पानी से, तिल के पानी से। तो ये सारे जो हमारे व्रत पड़ते हैं इसमें हमारा नियम है, बस केवल वर्जित दिन हो तब आप लोग केवल उसका नियम करेंगे, शुभ करेंगे और पूरे बालों को नहीं धोएंगे। तो दोस्तों, बाल धुलने के विषय में हमारी जो माताएं बहने हैं उनके मन में बहुत सारा प्रश्न रहता है, बहुत सारी दुविधा रहती है, बहुत सारा भ्रम रहता है कि मैं इस दिन बालों को धुलूं या ना धुलूं, दोष लगेगा या क्या होगा। तो इस तरह से तो मैंने सोचा कि ये बात मैं क्लियर कर दूं। बहुत ज्यादा भ्रम, बहुत ज्यादा अंधविश्वास को लेकर हमें नहीं चलना है। बस ये कुछ नियम थे जो मैंने बताया आप लोगों को, इसी नियम को मैं मानकर चलती हूं, यही परंपरा हमारे यहां है, तो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बात करती हूं कि कोई बहुत इमरजेंसी पड़ जाए, आपको आवश्यकता पड़ ही जाए कि हमें आज बालों को धुलना ही है, कभी कभी कभार की मैं बात कर रही हूं, तो आप किसी भी दिन बालों को धुल लें, इतना भी ज्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो वर्जित समय है, वर्जित नियम है, उस पर यदि हम नियमित ऐसा कार्य करते हैं तब हमें दोष लगता है कि हम जब भी हमारी मर्जी हुई तो हमने गुरुवार को बाल धो लिया, जब मर्जी हुई तो शनिवार को, तो इसमें हमें दोष लगता है। लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ने पर, कोई बहुत आवश्यकता पड़ने पर कि नहीं चलने वाला है, आपको बाल धुलना ही पड़ रहा है, तो आप कभी कभार की मैं बात कर रही हूं, आप धुल सकते हैं। इतना ज्यादा आप लोग इसको सोच कर या इतना ज्यादा आप लोग अपने मन में अंधविश्वास को लेकर बिल्कुल ना चलें। देखिए, बात होती है केवल श्रद्धा विश्वास की। हम भगवान के ऊपर विश्वास करें, अपने अच्छे कर्मों को अपने दैनिक जीवन में करें, अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, तो ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बाल किसी दिन इमरजेंसी में धुल लिया हमने तो हमारे ऊपर बहुत सारा पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा भ्रम को मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए अपने भाई बहनों को मैं बताती हूँ, और बाकी आप लोगों की अपनी भी इच्छा है, अपनी भी मर्जी है, जैसे भी नियम है आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिए, मानिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद कोई भी प्रश्न आप लोगों को और भी यदि आपके मन में है बालों को धुलने से लेकर, तो आप लोग जरूर कीजिएगा, मैं पूरी तरह से उत्तर देने का प्रयास करूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।